Ya qué? Mal adentro. Mego. बागनाथ जो कह मैं दर्शन करूं लो, जोड़ी झन टूटो कभे आशीष मांगू लो, जन्म जन्म हम संग रू लो म्यारा दीवाना। नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूँ कोनी पाठक और मैं करती हूँ कोशिश उत्तराखंड के उस रूप को आप सभी के बीच लाने की जैसा दिखता है उत्तराखंड मेरी नज़रों से। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड को। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। हाँ जी, मैं हूँ बागेश्वर में। बागेश्वर यानी बागनाथ जी की नगरी। बागेश्वर दर्शन मैं अब आपको कराने वाली हूँ, तो चलिए करते हैं शुरुआत यहीं से। ये है बागेश्वर का मस्जिद और मैं अभी हूँ दुग बाजार में। हम पैदल पैदल बागनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं और बिल्कुल सामने है यहाँ का झूला पुल, जिसका निर्माण सन 1913 में हुआ था। ये रास्ता मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बागनाथ जी के मंदिर जाते हुए कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं भगवान के मंदिर जा रही हूँ, हमेशा से ऐसा लगता है कि किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। क्योंकि बागनाथ जी से ना मैंने बहुत ज़्यादा मस्के लगाए हैं। मस्के यानी कि हाँ हाँ, ये भी कहा है कि बागनाथ जी मैंने 30 नंबर का ना ठीक ठाक दे दिया पेपर, बाकी 3-4 नंबर आप देख लो, 5 भी दे दोगे तो चलेगा। हाँ, अगली बार नहीं आऊँगी, इस बार कर दो, अगली बार पक्का नहीं आऊँगी। और यहाँ पर है यहाँ का गुरुद्वारा। बागनाथ जी बिल्कुल कमाल हैं, इतने छोटे से रास्ते में समझा देते हैं कि आपको कहीं भी जाना हो, चाहे मस्जिद जाना हो, गुरुद्वारा या फिर मंदिर, रास्ता एक ही है, तो मिलजुल कर रहो। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, तो चलिए अब करते हैं दर्शन और जानते हैं यहाँ से जुड़ी कहानी और कुछ रोचक बातें। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार इस नगर को शिव के गण चंडीश ने शिवजी की इच्छा के अनुसार बनाया था। चंडीश द्वारा बसाए गए इस नगर को जब शिवजी ने देखा तो उन्हें भा गया और उन्होंने नगर को उत्तर की काशी का नाम दिया। पहले मंदिर बहुत छोटा था, बाद में चंद वंशीय राजा लक्ष्मी चंद्र ने सन 1602 में मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया और धीरे धीरे मंदिर में कई बदलाव आते गए और हाल ही में यहाँ पर शिव जी की इस भव्य मूर्ति का भी निर्माण किया गया। बिल्कुल सामने जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर माता चंडिका का मंदिर स्थित है, वहाँ भी हम बहुत जल्द जाएंगे। पुराण के अनुसार अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तप बल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली माँ सरयू को ला रहे थे। यहाँ ब्रह्म कपाली के समीप ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। वशिष्ठ जी को उनकी तपस्या को भंग करने का खतरा सताने लगा और देखते ही देखते वहाँ जल का भराव होने लगा, क्योंकि वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सके। सरयू आगे नहीं बढ़ सकी और इस पर वशिष्ठ जी ने शिव जी की आराधना करनी शुरू की और शिव जी ने बाघ का रूप रखा और माता पार्वती को गाय बना दिया और ब्रह्म कपाली के समीप गाय पर झपटने का प्रयास किया। जब मार्कंडेय मुनि ने गाय के रंभाने का स्वर सुना तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने गाय को बाघ से बचाने के लिए प्रयास जब शुरू किया और वो
उसकी तरफ दौड़े तो बाघ ने शिव और गाय ने माता पार्वती का रूप धरकर मार्कंडेय को दर्शन देकर इच्छित वर दिया और मुनि वशिष्ठ को भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बागनाथ जी का यह मंदिर कुमायूं और गढ़वाल के दर्शनीय और प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। बागेश्वर शहर और बागनाथ मंदिर दोनों ही ऐतिहासिकता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। क्योंकि यह मंदिर संगम पर स्थित है, इसीलिए इसे कुमायूं की काशी कहा जाता है। और यहाँ पर सरयू और गोमती नदियों के अतिरिक्त सरस्वती नदी, जिसका कि अब लोप हो चुका है, वह भी विद्यमान है। इसलिए इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की तरह यह नगर भी अपनी प्रसिद्धि रखता है। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में प्रचलित कथा मैंने आपको बताई, और यह है यहाँ पर स्थित माता कालिका का मंदिर और साथ में भैरव देवता का मंदिर, जहाँ पर मांस की खिचड़ी का चढ़ावा चढ़ता है। और उसके बिल्कुल सामने शनि देव का मंदिर है, जहाँ पर शनिवार को शनि देवता को पूजा जाता है। और चलिए अब हम प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर में। इस मंदिर में मुख्य रूप से बेलपत्री से पूजा होती है और कुमकुम, चंदन, बछड़े और बताशे चढ़ाने की भी परंपरा है। और यहाँ पर खीर और खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। प्रधान पुजारी रावल जाति के लोग होते हैं, जबकि अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित 84 के पांडे होते थे। बाद में उन्होंने यह काम छोड़ दिया और अपने रिश्तेदार 84 के जोशी लोगों को यह काम सौंप दिया। और ये पेंटिंग उस पूरे दृश्य को दिखाती है, जहां पर भगवान शिव ने
बाघ का रूप लिया था और माता पार्वती ने गाय का रूप लिया था। यहाँ है भी सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा मेरा काम छुया या सिख डायन हूँ जो कि लिंग में पूजन से है और मैं हर बार करूँ तो देखिए ट्राई कर लूँ या क्या मैं डायन थी महगो। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सिक्का फेंकने पे अगर वो सिक्का अंदर स्थित शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरता है और आवाज आती है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे बारे में आप सभी को पता ही है कि मेरे पास अधूरी मनोकामनाओं की बहुत बड़ी लिस्ट है और उसी लिस्ट से मैंने आज एक छोटी सी मनोकामना उठाई और मांग लिया। अब ये मत पूछिएगा कि क्या मांगा। अच्छा आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही दूं कि मैंने बाबा बागनाथ से कहा कि उनका दिया हुआ जो बहुत बड़ा और प्यारा परिवार मेरे पास है यानी कि आप, वो मुझसे कभी रूठे ना, मुझसे छूटे ना, हमेशा मेरे पास रहे और यूं ही बढ़ता रहे। अब हमने प्रवेश किया है बाणेश्वर मंदिर में। ऐसी मान्यता है कि बाबा बागनाथ के दर्शन अधूरे होते हैं अगर आप बाणेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं करते और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। यहाँ पर एक पत्थर से दीवार पर अपना नाम लिखकर उपस्थिति दर्ज करानी होती है या फिर आपकी कोई मनोकामना हो तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ हाँ अभी सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज कराई है, आप ज़्यादा मत सोचो। और ये वो पत्थर है जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था ऐसा माना जाता है। बागनाथ मंदिर में 7वीं से 16वीं सदी ईस्वी तक की अनेक महत्वपूर्ण प्रतिमाएं भी उपस्थित हैं। उनमें उमा महेश्वर, पार्वती, महिषासुरमर्दिनी, एक मुख एवं चतुर्मुखी शिवलिंग, त्रिमुखी शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य तथा सप्त मार्तिका और दशावतार पट आदि की भी प्रतिमाएं हैं जो इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करती हैं कि 7वीं सदी से कत्यूर काल में इस स्थान पर अत्यंत भव्य मंदिर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर शिवरात्रि और मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायणी पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको बागनाथ जी के दर्शन करके कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्वागत है आपका, मुझसे जुड़िए, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप मुस्कुराना।